Tube shift technique or a parallax technique that is also called Clark rule, also called slop uh, body object rule, uh, that locates the K9 position buccally or palatally to other teeth in the arch. In this uh, video, we will only explain the uh, tube shift technique in the horizontal plane, and for horizontal plane, uh, we. Very uh, uh, apical or occlusal, both radiograph can be used, but occlusal radiograph is preferable because it it has a wide exposure as compared to the uh, periapical uh, peri very uh, apical radiograph. Second thing is uh, the tube shift technique in the vertical plane. Is the vertical plane. Uh, is has an advantage that uh, initially uh, as you in, in a routine you take a OPG and a tube shift technique in a horizontal plane only indicate the second exposure of occlusal radiograph so uh, the tube shift technique in the vertical plane uh, need two radiograph that is the OPG and the occlusal radiograph so uh, this is the advantage that initially you take the OPG and you only take the occlusal radiograph uh, here in the horizontal uh, plane, uh, tube shift technique, you have to take a uh, two radiographs or two periapical or two occlusal radiograph. Uh, but the uh, tube shift technique in the vertical plane, that, that is difficult to interpret for the beginners. Um, so we will only explain the horizontal uh, tube shift technique in the horizontal plane because it is easy to demonstrate and easy to interpret. रेडियोलॉजिकलींटरेंट पोजिशन यानी एक जो ऑब्जेक्ट आपने रखी है उसको आप डिफरेंट पोजिशन से देखेंगे तो देखें उसकी पोजिशन चेंज होती है या नहीं होती है फॉर एक्साम्पल आप दो ऑब्जेक्ट्स को रख लें एक को आगे रखें एक को पीछे रखें ठीक है ना फिर उसमें आप कैमरे से तस्वीर लें डिफरेंट पोजिशन में इस पहले सामने से लें या खुद सामने से उसको देखें फिर उसके राइट right पे चले जाएं, फिर उसके लेफ्ट पे चले जाएं, या राइट right पे खड़े होके उसकी तस्वीर लें फिर लेफ्ट पे खड़े होके उसकी तस्वीर लें तो उसकी जो दोनों की पोजिशन है ठीक है ना एक आगे है एक पीछे तो वो उनकी पोजिशन जो अपेरिटली जो है वो क्या होगी वो डिफरेंट आएगी उनकी पोजीशन ठीक है आपको डिफरेंट एंगल्स में नजर आए क्योंकि आप अपना अपना एंगल विद रिस्पेक्ट टू दो हेलेंगी नहीं वो फिक्स हैं आप या आपका कैमरा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है ये इसका प्रिंसिपल है जहन में याद रखें कि ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हैं जिसका आपने एग्जामिनेशन करना है रेडियोग्राफिकली ठीक है वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे फिक्स है आपने मूव करना है आपके कैमरे ने मूव करना है रेडियोग्राफ ने रेडियोग्राफ की कौन ने मूव करना है ठीक हो गया तो जो उसकी डिफरेंट पोजिशन आएंगी दैट इज नोन एज अ पेरेलेक्स ये जनरल डेफिनेशन हमने कर लिया कि पेरेलेक्स का क्या मतलब है इसको यहां इधर से समझते हैं पेरेलेक्स को देखें यहां जो है आप देख रहे हैं कि क्या है दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ ए स्मॉल ब्लैक सिलेंडर पोजीशन बिहाइंड अटोत ठीक हो गया यहाँ पे देखें बिहाइंड आपको ब्लैक हुआ ना डायरेक्टली सीन आप जब डायरेक्टली क्या करते हैं फ्रंट खड़े हो जाते हैं यहाँ से उसको देखते हैं द ट्रूथ एंड सिलेंडर आर सुपर है एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं ना अगर आप कैमरे को क्या करें राइट right साइड पे मूव करते हैं द दूथ एंड सिलेंडर आर बोथ क्लियरली विजिबल आप यहाँ खड़े हो गए राइट साइड पे मूव कर रहे हैं या कैमरा यहाँ से लेके आपने इधर यूं देखना होता है देखे यूं देखना है यहां खड़े होकर यूं देखना है या तस्वीर यूं देखनी है तो आपको ये तस्वीर नजर आएगी राइट राएग से दोनों क्लियरली होंगे लेकिन दोनों की पोजिशन मूव कर गई है ठीक है ना देखेंगे कौन किस तरफ गया है ठीक है आप ये कैमरा है ये जो राइट का ये आप है ठीक है और ये जो आपका ब्लैक बार है ये राइट की तरफ मूव कर गया है और टुथ जो है वो आपका लेफ्ट की तरफ मूव कर गया है ठीक हो गया ना दोनों सेपरेट हो गए आप आ जाते हैं आप क्या करते हैं कि आप इस जगह की बजाय राइट की बजाय आप यहां से खड़े होकर यूं देखते हैं ठीक है या कैमरे से यूं तस्वीर लेते हैं तो फिर कैसी तस्वीर आएगी

तो टूट यूं चला गया सही है और वो आपकी सेम डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है ना ब्रेक जो है वो आपकी सेम डायरेक्शन में जा रहा है देखा फ्रंट से देखने से क्या हुआ जबकि राइट पे जाने पे इन दोनों ने पोजीशन अपनी चेंज की ठीक है आप आप यूं हो गए तो जो बार है जो सिलेंडर है ठीक है वो भी क्या हुआ आपके साइड पे मूव कर गया ये आपका मूवमेंट है या कैमरे की है और टोत तो जो है अपोजिट साइड पे चला गया दोनों की पोजीशन जो है वो डिफरेंट आ गई ठीक है और इधर आप लेफ्ट पे आ गए तो ये ब्लैक बार आपकी तरफ आ गया टोथ तो इधर चला गया ये इसको क्या कहते हैं ये जो इस इन दो ऑब्जेक्ट्स ने अपनी दो पोजिशने चेंज की है इसको हम क्या कहते हैं पेरेलेक्स कहते हैं आप इस तस्वीर को जेन में रखेंगे ठीक है थोड़ा सा आगे हम जाके उसमें थोड़ा सा डिफरेंट डिस्कशन करेंगे लेकिन ये पेरेक्स जो डिफरेंट पोजिशन अपनी ऑब्जेक्ट अपेरेंटली चेंज करता है उसको हम रेडियोग्राफी पे अप्लाई करेंगे ठीक है अब पेरेलेक्स जो है वो क्या है ट्यूब शिप अपलेमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द इमेज ऑफ द रेफरेंस बाई एन एक्चुअल चेंज इन द एंगुलेशन ऑफ द इसमें दो बातें आ गई मैं बताता हूं आपको एक जो है वो क्या आगे? रेफरेंस ऑब्जेक्ट आ गया ठीक है वहां पिछली तस्वीर को आप जैन में रखें लेकिन उसमें रेफरेंस ऑब्जेक्ट नहीं थी यहां हमने रेफरेंस अब्जेक्ट डाली और एंगुलेशन ऑफ एक्सरे बीम आया ठीक है अब इन दोनों को हम देखते हैं रेफरेंस आपका 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 होगा, याद रखें, ठीक ठीक है है, है, है? है, ना? हो हो सकता हो सकता और जो वो यानी आप एक पे राइट पे लेफ्ट पे उसको एंगुलेशन ऑफ द बीम कहेंगे या कोन होगी एक्सरे के ठीक हो गया आगे चले अपॉन यूजिंग दैरेलेक्स टेक्निक टू व्यूज ऑफ एन आपने दो व्यूज लेने हैं क्या है? के एक्सरे ट्यूब के साथ डिफरेंट पोजिशन में तो रिजल्टेंट जो रेडियोग्राफिक फिल्म आएगी आपके पास जो उसके ऊपर जो इमेज आएगा, तो उस क्या होगा कि किसकी की की, की की, हमारा क्या होगा ये हमारे लेटर खास तौर परिमोलर हो गया ठीक है या सेंट्रल इन्साइजर ये हमारे क्या होंगे इनकी पोजिशन को देखकर हम उसकी पोजिशन को डिटर्मिन करेंगे हमने दो या तीन तीन पोजिशन एक सामने से एक राइट right और एक लेफ्ट से थ्री डिफरेंट पोजिशन में हमने क्या करना है रेडियोग्राफ लेना है या हमने दो पोजिशन में लेना है ठीक है है मिनिमम टू पे आपने लेना देखिए यहाँ इधर से हम एक्साम्पल को समझते हैं यहाँ रेड ऑब्जेक्ट है बकल साइड पे पड़ी हुई है ठीक है और यहाँ एक येलो ऑब्जेक्ट है वो के लिंगल साइड पे पड़ी हुई है आप सामने से कौन है आपके पास ये रेडियोग्राफिक कौन है यहाँ से ट्यूब है यहाँ से रेडियोग्राफ जा रहा है वो देखें उसका पिक्चर तो वो फिल्म है ठीक है तो आप देखें दो तो ये दोनों जब स्ट्रेट आप करते हो तो ये सुपर इंपोज हो रही है ठीक हो गया आप क्या करते हो कि आप कौन को इस तरफ से यूं करते हो राइट से यूं देखते हो यूं जब देखते हो या ठीक है कौन को इस एंगल में ले आते दे, हो देखो इस एंगल में आ गई तो अब क्या हो गया जो बक्ल साइड पे ऑब्जेक्ट थी जो रेड वाली थी ठीक है वो किधर चली गई वो इस तरफ चली गई ठीक हो गया वो आपके अपोजिट चली गई आप देखो कौन को जब राइट पे ला रहे हो तो आपकी जो बक्ल साइड पे ऑब्जेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन पे इमेज उसका बना ठीक हो गया जबकि आपकी लिंगुअल साइड की जो ऑब्जेक्ट थी

और जो फर्दर होगी वो आपके जो सेम डायरेक्शन में जिस तरफ आप जाएंगे उस तरफ वो जाएगी ठीक हो गया अब आगे जाए अब आप क्या हुआ कि इसको आपने इधर से देखा यानी लेफ्ट से देखा यूं देखा पहले देखें यहां ये जो तस्वीर है आपने इसको यहां देखा अब आपने इसको यहां देखा जब आपने इसको यहां से यूं देखा ना ठीक है सॉरी इसको यूं देखा तो ये वाली आपके पास तस्वीर आ गई कौन को आप इस तरफ ले आए आप देखें रेड जो है अगेन दैट इज नियर टू द कोण ठीक हो गया साइड वो आप आप लेफ्ट पे गए वो राइट right पे चली गई ठीक है जबकि ये वाली जो ऑब्जेक्ट है जो ऑन द लिंग जगह पे ही रही ठीक है तो ये क्या है हमारे पास पैरलेक्स का रूल है हम इसको देखते हैं रेफरेंस ऑब्जेक्ट इज नॉर्मली द द रूट ऑफ टूथ आपको क्लियर हो गया इमेज ऑफ द टूथ दैट इज फार अवे फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्यूब ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया द इमेज ऑफ द टूथ क्लोजर टू द एक्सरे ट्यूब मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन इस तस्वीर में जो अपोजिट डायरेक्शन में गई वो रेड ऑब्जेक्ट थी और पिछले वाली तस्वीर में जो था वो टूथ था जो अपोजिट डायरेक्शन में गया था और सेम डायरेक्शन वाली जो चीज थी वो पिछली तस्वीर में हमारे पास जो था वो बार था या वो सिलेंडर था ब्लैक और इसमें जो थी वो येलो ऑब्जेक्ट थी ये वाली येलो ऑब्जेक्ट थी ठीक है देख देख लेते हैं ये वाली जो येलो ऑब्जेक्ट थी ये ठीक हो गया अच्छा अब देखें इसी से आता है सेम सेम फॉर लिंगुअल एंड अपोजिट फॉर सेम फॉर लिंगुअल एंड अपोजिट फॉर

ये जो पैरालेक्स में आपने एक तो ये यह ऑब्जेक्ट है आपकी और ये फिल्म है ये जहां से कोल रे आ रही है ठीक है ना देट शुड बी इट राइट एंगल टू द ऑब्जेक्ट नंबर वन ऑब्जेक्ट के राइट एंगल पे आप देख रहे हैं राइट एंगल पे दूसरा इट शुड बी एट राइट एंगल टू द फिल्म यू नहीं करना कौन को यू इस तरह राइट यानी आप पोजिशन तो चेंज करेंगे लेकिन आपकी जो फिल्म की पोजिशन भी ऐसी होगी कि यानी ये वाली जो रे है इसके ऊपर राइट एंगल पे आए ऑब्जेक्ट के ऊपर भी और फिल्म के ऊपर भी ये पहला प्रिंसिपल है रेडियोग्राफी का ठीक है दूसरा ये है दूसरा पोजीशन दूसरा रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखें आपने इस की पोजीशन को मालूम करना है देखें ये 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 आपकी कोण कोण की वन है, कौन की पोजीशन पोजीशन है है आप एक एक इमेज ले रहे हैं एक ये दूसरा इमेज ले रहे हैं अच्छा आप जो इस टूथ की पोजिशन है ये फिक्स होनी चाहिए बॉडी में तो फिक्स है लेकिन हेड तो मूव करेगा तो पेशेंट का हेड जो है वो मूव नहीं करना चाहिए जो हेड की पोजिशन होगी ठीक है जो टीथ की अक्लूजन की पोजिशन होगी वो पोजीशन uh, वन में वही हेड की पोजीशन जो है वो पोजीशन टू में होगी अदरवाइज आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा समझे ना पहले क्या है नोट कर लिया पोजिशन वन लेकिन पेशेंट को कहना है ही शुड नॉट मूव एट ऑल उसी पोजिशन पे फिर आपने uh, कौन को मूव कर देना है टू देखें इस साइड पे जाएगा बिटवीन द क्या है सॉरी बिटवीन द के नाइन एंड और फर्स्ट प्रीमोलर ठीक होगा इनके दरमियान आपने रख लिया ठीक है और इधर से आपने किया पेशेंट की पोजीशन वही की वही होगी इस तरह आपके पास जो ये के नाइन होगा इसकी पोजीशन आपके पास दो रेडियोग्राफ में डिफरेंट आएगी वो जो पिछले प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको पोजिशन ठीक मिलेगी ठीक है